w h a पूजा आप देख रहे हैं जनहित आवाज इस वक्त हमारे साथ हैं वो छात्र जिनके साथ मारपीट की गई थी एक कॉलेज में जो वीडियो वायरल हो रहा था ये वही छात्र हैं और इन्हीं लोगों से जानते हैं आखिर क्यों इनके साथ ऐसा किया गया तो सबसे पहले आप ये नाम बताइए अपना क्या नाम है मेरा नाम सचिन है मैं रामजस कॉलेज थर्ड ईयर में हूँ अभी अच्छा रामजस कॉलेज में आप पढ़ते हैं तो ये जो वीडियो इतना वायरल हो रहा है जिस तरीके से सारी सोशल मीडिया ही जो है वही दिखा रही है तो ऐसा क्या कुछ हुआ आपके साथ और क्यों मारपीट हुई आपके साथ आ, तो देखिए बात ऐसी थी कि आ, कॉलेज में जो पॉलिटिक्स चल रही थी वो एक कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स चल रही थी कुछ एक अपर कास्ट के कुछ लोग थे जो कि अपनी कास्ट का नाम लिख के और नीचे राज लिख दिए थे ठीक है तो उसी को उसी के बारे में डिस्कशन चल रही थी हमारी उससे पहले उस कास्ट को काट के जैबीम लिख दिया गया था और उसी उसी चीज़ पे हमारी बात चल रही थी कॉलेज कैंटीन में तब उस कास्ट से जिन्होंने उस कास्ट का नाम और वो सब लिखा था कॉलेज की दीवारों पे वो आ, लोग आते हैं और आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं वहाँ पे आ, कुछ कुछ चीज़ें बोलने लगते हैं कास्सिसर बोलने लगते हैं फिर वो लोग हम लोग कैंटीन से बाहर आ जाते हैं फिर दोबारा वो आर्ग्यूमेंट शुरू कर देते हैं दो लोग होते हैं वो शुरुआत में जो आते हैं फिर वो लोग फाइट शुरू करते हैं फिजिकल फाइट शुरू कर देते हैं उनकी तरफ से मारपीट शुरू हो जाती है और काफ़ी लोग आ जाते हैं वो और वो नौ दस लोग हो जाते हैं हम लोग दो दो लोग होते हैं तो हम लोगों पर भारी पड़ जाते हैं वो लोग आपके साथ मारपीट हुई ये मारपीट करने वाले क्या वो भी छात्र थे या किसी संगठन से थे देखिए जो इनका जो मेन बंदा जिसने आ, ये आर्ग्यूमेंट शुरू करी थी वो कॉलेज का पास आउट है मतलब पिछले साल वो कॉलेज पास आउट हो गया था पर वो वहाँ पे हर रोज बेसिकली अपना पॉलिटिक्स करने के लिए आता है और वो इनडायरेक्टली ए से एफिलिएटेड है तो उसका सिर्फ कॉलेज आने का मोटिव यही है कि वो वहाँ पे जाके पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स करे और ये जातिवादी बेसिकली ये जातिवादी पॉलिटिक्स करे और अपना जो दबदबा है वो वो क्रिएट करे अपनी कास्ट के नाम के बेस पे हमारे साथ एक और छात्र हैं उनसे भी हम बात करते क्या नाम है आपका अमन बुरी तरीके से ये आपके मैं चेहरे पे आप देख सकते हैं सामने किस तरीके से इनके साथ मारपीट की गई है और यहाँ पे इनके देखिए फेस पे पूरा जो है इंजर्ड कर दिया गया है अमन तो क्यों ये लोग इतना हावी हो गए आप पे और क्यों इतना मारपीट करने पे उतारू हो गए कि आपके चेहरे तक को इंजर्ड कर दिया उन्होंने मतलब जो सामंती सोच होती है जिसमें उनका जात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और जो उनका सारा गर्व होता है वो उसी जात से आता है तो बेसिकली उस जात का जो उन्होंने लिख रखा था कि ये राज होगा तो उनके उस राज को कुछ लोगों ने काटा और फिर उधर जय भीम लिख दिया किस चीज का राज मतलब लिखा गया था एक अपर कास्ट नाम लिखा गया था अपर कास्ट का नाम लिखा गया था और उसके नीचे राज लिख गया था तो अब आप, आप आप सोच लीजिए कुछ भी अपर कास्ट हो सकता है मतलब ऐसा कास्ट स्पेसिफाई करने का कोई मतलब नहीं है तो उधर उसको काटा गया था और कुछ लोगों ने जय भीम लिख दिया था तो उनको ऐसा लगा कि ये जय भीम ना मानो किसी एक जाति का नाम लिख दिया गया हो और वो वजह थी जहाँ से लड़ाई होना स्टार्ट होता है हाँ और जो जय भीम का मतलब है जय भीम का मतलब है कि इस देश में ना ही अगड़ी जाति का राज होगा ना ही पिछड़ी जाति का राज होगा बल्कि संविधान का राज होगा बराबरी का राज होगा हाँ तो इसलिए जय भीम लिखना और कहीं कहीं उन्होंने एनहीलेट कास्ट भी लिखा गया था तो एनिलेट कास्ट का मतलब है कि ऐसा समाज ऐसी ऐसे समाज की कल्पना करना जहाँ पे जाति एग्जिस्ट ही ना करती हो तो ये बहुत अच्छी बातें थी जो कि होनी चाहिए पर इनको ऐसा लगा कि हमने मतलब लोगों ने किसी एक जाति का नाम लिख दिया है और इसी वजह से मतलब इन्होंने तो स्टार्टिंग से ही बाकी जगहों पे बोला कि इनको एक जाति का नाम काट के जिन्होंने भी लिखा उसको दूसरी जाति का नाम नहीं लिखना चाहिए था और डीसीपी जो कि दिल्ली पुलिस के हैं उनका भी यही बयान है कि दो गुटों में लड़ाई हुई एक ने एक जाति का नाम लिखा था दूसरे ने दूसरे जाति का नाम लिखा पर ये जो दूसरे जाति का नाम लिखा गया है वो है जय भीम तो आप समझ रहे हैं कि जय भीम को भी कैसे देखा जा रहा है आज तो वो मसला था जहाँ से लड़ाई होना स्टार्ट हुआ मतलब भीम के नाम से ये जो जितना भी सवर्ण लोग हैं या सामंतवादी सोच के कह लीजिए हाँ। तो इन लोगों को क्या तकलीफ हो, होती है जय भीम के नारों से पेरियार से फूले से अंबेडकर से आखिर ऐसा क्या आप लोगों ने देखा है कॉलेज में ऐसा होता रहा है क्या मतलब आपने बहुत सारा नाम लिया और बहुत सारे और भी लोग हैं भीम हैं यी हैं पेरियार है पर इन सारे नामों में अम्बेडकर सबसे ऊपर आते हैं क्योंकि इनको लगता है कि इनकी ज़िंदगी में जो सबसे बड़ा दिक्कत है वो अंबेडकर की वजह से है क्योंकि अब इनका राज बहुत लंबे समय से चला है उसके बाद अंबेडकर पहले आदमी थे जिन्होंने एक मूवमेंट के तौर पे कास्ट मूवमेंट बहुत बड़ा चलाया और दूसरी बात है कि रिज़र्वेशन का बात हो जाए या कोई भी बात हो जाए तो अंबेडकर नाम ही इनके लिए बहुत मतलब ऐसा नाम है जो कि कुछ लोग तो तिलमिला जाते हैं उस नाम के बाद और उसी का असर हम लोग देख सकते हैं क्या हुआ राम जस में अभी आपने बताया कि वहाँ पे कास्ट का नाम लिखा गया था अपर कास्ट का तो उसके बाद जो है जय भीम का नाम लिखा गया तभी ये आपके साथ मारपीट की गई है जी, जी। ये, ये मतलब जब मारपीट हो रही थी तो कोई बीच बचाव किया गया कोई लोग आए क्या बचाने के लिए या सिर्फ वीडियो ही बन रहा था हाँ मतलब सीधा बात है कि जो हम लोग फिर ऐसे बैठे हुए थे और मारपीट भी एक बहस के बाद मारपीट स्टार्ट होता है और अगर आप वीडियो में देखें तो हम लोग दो लोग थे वो दस लोग के आसपास तो होंगे ही कम से कम तो जिस हिसाब से लड़ाई स्टार्ट हुई और जिस तेजी में लड़ाई हो रही थी उस तेजी में लोगों का आना मतलब बहुत मुश्किल था मतलब पूरा जिसको गुंडई कहा जा सकता वो गुंडई हो रहा था और वहाँ पे कोई एक लोग भी मतलब ऑब्वियसली नहीं आ पाया जो कि उस लड़ाई को रोकने की कोशिश जिसने करी हो हाँ तो वो एक सही बात है कि कोई नहीं आया अच्छा आप रामजस कॉलेज में पढ़ते हैं रामजस कॉलेज में जाने के लिए लोग सपना देखते हैं मगर आप लोग वहाँ पहुँचे हैं कहाँ से आते हैं आप लोग मैं बिहार से आता हूँ मैं बिहार में एक जिला है समस्तीपुर मैं वहीं से आता हूँ और सचिन आप कहाँ से आते हैं मैं हरियाणा से हूँ भिवानी डिस्ट्रिक्ट से वानी डिस्ट्रिक्ट से आप आते हैं आप बिहार से आते हैं तो आप लोग जो है वहाँ पे रामजस कॉलेज में लोग बच्चे पढ़ने का सपना देखते हैं और अधिकतर आप देखेंगे वहाँ सवर्ण लोग होते हैं लेकिन ये छात्र वहाँ तक पहुँचे हैं तो क्या ये इस तरीके का भेदभाव उस रामजस कॉलेज में या जातिवाद के नाम पर इस तरीके का भेदभाव होता रहा है क्या या होता है मतलब एक सीधी बात है मतलब मैं बाकियों के लिए बता रहा हूँ कि जो रामजस कॉलेज है या दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई भी अच्छा कॉलेज हो वो जो हमारे समाज में जिस हिसाब से भेदभाव होता है वो वहाँ से ज़्यादा अच्छा जगह है रामजस कॉलेज में बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो कहते हैं कि जाति उन्मूलन होना चाहिए बहुत सारे अच्छे लोग मिलेंगे हाँ जो बहुत क्रिटिकल है हर चीज़ पे सवाल पूछते हैं हाँ और चूँकि तीन साल पढ़ने के बाद एक क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग बहुत सारे लोगों में आ जाता है पर दूसरी बात है कि एक बड़ा तबका है हाँ जिसको एक छोटा तबका बिल्कुल नहीं कहा जा सकता जो कि इन चीज़ों में विश्वास करता और वो इसलिए है क्योंकि रामजस कॉलेज में भी इसी समाज से पल बढ़ के लोग रामजस कॉलेज में पढ़ते हैं तो समाज में जो है वो जाति को हमारे नस नस तक जाति हमारे अंदर रहता है तो फिर जब हम लोग रामजस कॉलेज भी पहुँचते हैं या किसी भी कॉलेज में पहुँचते हैं तब भी बहुत बड़ा तबका है चूँकि समाज ऐसा है इसलिए जो कि जातिवादी है और जाति में विश्वास करता है और जाति के राजनीति भी करता है जो है अभी आपने बताया बिहार से आते हैं आपके पिताजी क्या काम करते हैं मेरे पिताजी वकील हैं है। और आपके पिताजी क्या काम करते हैं मेरे पापा क्लिनिक चलाते हैं आयुर्वेदिक क्लिनिक।, क्लिनिक तो इस तरीके के आप लोग परिवार से आते हैं तो मुझे ये बताइए भविष्य में आप लोगों ने सपना भी देखा होगा कुछ ना कुछ बनना चाहते होंगे तभी आप जो है इतने अच्छे कॉलेज में पहुंचे क्योंकि वहाँ तक पहुंचना और रैंक लाना कट ऑफ में ये बहुत बड़ी बात है तो मतलब कुछ तो सपने होंगे कुछ बनना ही चाहते होंगे तो मैं अभी अकेडमिया में जाना चाहता हूँ मतलब ऑब्वियसली कॉलेज में प्रोफेसर और चीज़ों पे रिसर्च करना चाहता हूँ बहुत सारी समस्याओं के जड़ तक जाना चाहता हूँ जो कि अकेडमिया में संभव है और वैसे मैं आजकल हल्का फुल्का मतलब अभी नहीं पर बाद में शायद मैं मैं अभी किस विषय में आप पढ़ाई इतिहास पढ़ रहा हूँ अच्छा। uh, मेरा भी अकेडमिया में ही फोकस है बेसिकली मैं ऑनर्स कर रहा हूं पर मैं मेरी स्ट्रीम चेंज करूंगा इसके बाद uh, मैं स्ट्रीम चेंज करेंगे क्यों करेंगे इकोनॉमिक्स में ट्राई करूंगा मेरा बेसिकली इकोनॉमिक्स में ही ज्यादा इंटरेस्ट रहा है पर बिकॉम ऑनर्स लेना एक मतलब एक मिसअंडरस्टैंडिंग था उस, उसी की वजह से एक बिकॉम ऑनर सब्जेक्ट ले लिया गया था तो इसलिए अच्छा, ये बताइए आपके साथ जब ये मारपीट हुई क्या इसकी आपने कोई एफआईआर करवाई थाने में हम लोग कंप्लेन करवाने गए थे हाँ, हम लोग वहाँ दो दिनों तक बैठे कुछ एक्शन किया गया लिया गया कोई हाँ, मतलब पुलिस जो है साफ तौर पे उनके साथ थी हाँ तो कंप्लेन पे जो एक्शन हुआ मतलब कंप्लेन पे बेसिकली कोई एक्शन तो पुलिस ने लिया नहीं और फिर हमने भी यही ठीक समझा कि हम एफ़ आई आर के तरफ ना जाके हम कॉम्प्रोमाइज़ कर ले कॉम्प्रोमाइज़ करने का जो कारण था कि जो मारपीट जिसने करा था उसने मतलब ये हुआ कि फिर इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी एफ आई आर हो जाएगा ये भी तो स्टूडेंट है इसी कॉलेज का स्टूडेंट है और फिर हमें भी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते और हमें लगा कि हम थर्ड ईयर अभी स्टूडेंट ही हैं तो कोर्ट कचहरी का भी चक्कर लगाना कोई बहुत सही बात तो होगा नहीं तो इसलिए हमने कॉम्प्रोमाइज करना सही समझा पर जो एक अच्छी चीज है मतलब हमने जो असली कारण है कॉम्प्रोमाइज करने का कि, उसने माना कि उसने गलती करी है। और एबीवीपी अच्छा, हाँ, चा, तो हाँ, हाँ. का संगठन आपने बताया हाँ. है? उसी आते हैं क्या मैं आ, मतलब, सही मतलब हाँ एबीवीपी से उनका सपोर्ट है ही हाँ और वो एक साल पहले तक रामजस के छात्र भी थे तो अभी भी उनको कुछ पड़वड़ रहे होंगे पता नहीं पर मतलब वो नहीं पता पर कॉम्प्रोमाइज़ करने का जो असली कारण था वो ये था कि उन्होंने माना कि उन्होंने गलती करी है और फिर उन्होंने पब्लिक में आके मतलब लगभग पचास या नहीं डेढ़ सौ स्टूडेंट्स के सामने आके उन्होंने माफ़ी मांगी ज, जिसका वीडियो भी बना है हाँ जिसका वीडियो भी है तो ये एक अच्छी चीज़ है मतलब गलती करके माफ़ी मांगना तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है जो उन्होंने मांगी है और शायद इसका असर पड़ेगा कि आगे कॉलेज कैंपस में गुंडागर्दी रुकेगी तो इसलिए हमने कॉम्प्रोमाइज करना ठीक समझा मतलब उन लोगों की माफ़ी के पीछे क्या कुछ ऐसा तो नहीं रहा है कि किसी अधिकारी या फिर उन लोगों ने ऐसा बोला हो कि इस तरीके का कॉम्प्रोमाइज क्या आपके साथ ही ऐसा दबाव बनाया गया ऐसा कुछ हुआ है क्या मतलब दबाव तो बहुत ज़्यादा बनाया गया उसमें कोई दो राय नहीं है हाँ पुलिस की तरफ से हाँ ये हुआ करने के लिए दबाव हाँ, बना हाँ। 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 मतलब वो था कि सचिन के घर पे कॉल कर... चला गया कि आप कॉम्प्रोमाइज़ के बात के लिए हाँ जबकि सचिन 18 साल से ज्यादा इसकी उम्र है तो घर पे कॉल करने का कोई मतलब नहीं था पर उन सब चीज़ों का कोई खास फर्क पड़ा नहीं हाँ मतलब ऐसा नहीं कि उस दबाव में आके हमने एफ नहीं करा हमारा एफ नहीं करने का यही मतलब था कि अगर वो माफ़ी मांग रहा है तो ठीक है मतलब कोर्ट के चेहरी का चक्कर लगाने से किसका ही भला हुआ है तो मतलब जिस तरीके से उन लोगों ने आकर के माफ़ी मांगी और जिस तरीके से आपके साथ मारपीट की गई इतने लोगों के सामने क्या इससे आप लोगों के अंदर कोई भय ऐसा कुछ डर हुआ है पैदा हुआ है क्या कि वाकई में इस तरीके से लोगों को या खासकर जातिवाद के नाम पर लिंच किया जाता है या मार दिया जाता है या पीटा जाता है जिस तरीके से इतिहासकार रतन लाल थे वो भी एक विशेष वर्ग से आते थे उन्होंने इतिहास का एक टिप्पणी कर दी तो उनके साथ भी इस तरीके का किया गया और वहीं आप भी किसी विशेष जाति से आते हैं तो आपके साथ ये हो जाता है तो क्या लगता है कि ऐसे जो लगातार चीज़ें हो रही हैं क्या इससे डर या भय का कोई माहौल है आपके अंदर या आप डरे हैं ऐसा कुछ है मुझे तो नहीं लगता है कि मतलब जो हुआ उसके बाद ये कहना कि उसका कोई असर नहीं होगा ये तो एक गलत बयान होगा कि उसका असर तो पड़ा ही है पर ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा डर का माहौल है क्योंकि ये ऐसा भी नहीं कि कोई हमारे संगठन में ये पहली बार हुआ है वो पहले भी टारगेट होते हैं लोग हाँ और दूसरी बात है कि जब तक संगठन हमारे साथ खड़ा है तो उससे एक बहुत बड़ी शक्ति मिलती है क्योंकि ऐसा नहीं कि हम दो इंडिविजुअल लोग हैं जो हम लोग ये कर रहे थे हम लोग सफाई से आते हैं सफाई हमारे साथ खड़ा है तो इसलिए ऐसा भी नहीं है कि बहुत कुछ डरने की बात है तो डर तो बिल्कुल नहीं लग रहा है जो सीधी बात है पर हाँ इस बात का पॉसिबिलिटी ज़रूर है कि आगे भी ये लोग टारगेट कर सकते हैं हाँ पर यह कहना कि हम लोग डर गए हैं आगे से राजनीति नहीं करेंगे उनका विरोध नहीं करेंगे ऐसी चीज़ों का ये बिल्कुल गलत होगा क्योंकि लगातार जिस तरीके से ए संगठन इतना एक्टिव है इन चीज़ों में मारपीट को लेकर अभी लास्ट टाइम हिंदू कॉलेज पर पत्रकार के साथ मारपीट हो जाती है कोई एक पत्रकार जब सवाल करता है तो उसके नाम के मुर्दाबाद के नारे लगने लग जाते हैं जनहित आवाज़ मैं ही थी जब तो वहाँ मुर्दाबाद के नारे लगाने लग गए वो लोग तो मतलब जिस तरीके से लगातार एक जातिवाद को घेरा जा रहा है वो ये सब और हमारे ही समाज से उस समाज से लोग जब उठ के सामने आते हैं क्या इनको तकलीफें हो रही हैं इस तरीके की तो मैं बोलूँगा कि ये कोई आज का तो बात है नहीं मतलब मैं तीन साल से कैंपस में हूँ तीन साल से वे... हर दिन ऐसा लगता है कि वो लोग अटैक कर देंगे क्या होगा क्या नहीं होगा पर उसके बाद भी हाँ इतने अटैक्स के बाद भी एसएफआई का कोई भी आदमी ऐसा नहीं है कि उससे डर गया और एसएफआई का झंडा वो नहीं उठाता है नहीं। तो वही बात है वो जितना अटैक करना है उनको कर लें क्योंकि हमारा जो रीढ़ का हड्डी है वो स्टील का बना हुआ है हम लोग झुकेंगे तो नहीं हाँ हो सकता है हाथ टूट जाए सर फट जाए पर यह बात है कि जितना डराना है डरा ले कोई डरने वाला है नहीं ना इतिहास में डरा है ना भविष्य में डरेगा अच्छा मेरा आखिरी सवाल ये है कि जिस तरीके से आपके साथ हुआ और डर का माहौल हो हो सकता है ऐसा होगा भी क्योंकि वो बहुत संख्या में लोग हैं और फिर सब चीज़ें उनके हाथ में ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं सभी जानते हैं है ना तो अपनी जो हक अधिकारों की लड़ाई आप संवैधानिक तरीके से इसी तरीके से लड़ते रहेंगे क्या जी, या जी, फिर हौसले पस्त हो जाएंगे नहीं। वो तो कभी नहीं होगा हौसला तो कभी पस्त नहीं होगा हाँ मतलब डरने मतलब मार के बाद अगर हौसला पस्त हो जाए तो हम में और सावरकर में फर्क क्या रह जाएगा हम वो लोग थोड़ी है कि माफी मांग के बच जाएंगे हाँ हमारी पॉलिटिक्स बेसिकली साफ सुथरी और सीधी पॉलिटिक्स है वो वो भगत सिंह और अंबेडकर के सपनों की पॉलिटिक्स है हम उसको आगे लेके जाएंगे और हम तो ऐसे तरीके से और संवैधानिक हाँ ऐसे ही संवैधानिक तरीके से हम काम करेंगे एंटी कास्ट uh, चीज़ों को एंटी uh, का मतलब जो कास्टिस चीज़ें हैं उनको हम चैलेंज करेंगे कैंपस में और एक uh, जो इक्वालिटी की लड़ाई है एजुकेशन सिस्टम में उसको चालू रखेंगे एस की पूरी तरफ से जिस तरीके से आपके साथ हुआ आगे लोगों के साथ ना हो इससे आपको कुछ आगे मतलब सबक भी मिला और एक चीज़ भी मिली होगी सीखने के लिए कि आप हमारे या आपके समाज के लोगों को ऐसा कुछ आगे बढ़ाने का भी कार्य करेंगे मतलब एक ही बात है कि अगर संगठन मजबूत होगा तो ऐसी चीज़ें घटेगी क्योंकि बहुत ज़्यादा जो पावर रिलेशन का खेल होता है अगर वो लोग दस्त थे हाँ और हम भी दस्त होते तो ये बात मार तक नहीं पहुंचती, क्योंकि हम लोग दो थे इसलिए हम लोगों को टारगेट किया गया था उस समय तो वही बात है कि जब तक हम लोगों का संगठन बहुत ज्यादा मजबूत नहीं हो सकता तब तक ये उम्मीद करना कि इस तरीके की चीजें आगे नहीं होगी ये बहुत मतलब गलत समझ होगा हमारा संगठन को किस तरीके से मजबूत किया जाएगा क्योंकि आ... पिछड़े और दबे कुचले लोग काफ़ी हैं और उनमें जागरूकता नहीं है सबसे बड़ी बात तो यही है विडंबना यही है हमारे समाज की तो उनको आप कैसे मतलब तो, तो, हाँ तो एस एफ आई की जो आ, मतलब समझ है इस पर ये है कि आ, जितने भी वर्ग से जो लोग आते हैं जो एक्सप्लोइटेड लोग हैं या यास्ड लोग हैं सेक्शन सोसाइटी में जो एग्जिस्ट करते हैं उन उन सबसे आने वाले लोगों को एस एफ़ आई ऑर्गेनाइज करेगा और जितनी भी चीज़ें हैं पोलिटिक्स से रिलेटेड हैं हिस्टोरिकल चीज़ें हैं वो एस एफ आई में uh, सब सब चीज़ें डिस्कस होती हैं वहाँ पर uh, समझाई जाती है सिखाई जाती हैं ऑन ग्राउंड सिखाई जाती हैं तो इन सब चीज़ों से अवेयरनेस आती है फिर स्टूडेंट्स एस एफ आई से जुड़ते हैं उसके बाद वो अपने अधिकारी अधिकारों के लिए जागरूक होते हैं और लड़ते हैं तो आप लोग हक़ की लड़ाई लड़ते रहेंगे आखिर समाज के लिए एक हित की काम करते रहेंगे जी हाँ बहुत बहुत शुक्रिया देखा आपने किस तरीके से एक समाज से विशेष समाज से मैं यही कहूँगी विशेष समाज से आने वाले छात्र के साथ मारपीट कर दी जाती है एक विशेष समाज से ही आने वाले इतिहासकार रतन लाल जी के साथ किस तरीके का अभद्र व्यवहार किया जाता है एफआईआर हो जाती है लगातार आप लगातार आप सोशल मीडिया पे देखेंगे किस तरीके से दलित समाज से आने वाले बहुजन जो हक अधिकारों की बात करते हैं या फिर इस तरीके से अच्छे तबके पे बैठ जाते हैं या पद अधिकारी बन जाते हैं या अधिकारी वर्ग से आते हैं या टीचर बन जाते हैं या कोई छात्र इतने बड़े कॉलेज में पढ़ाई के लिए एडमिशन ले लेता है तो उसके साथ किस तरीके से व्यवहार किया जाता है आप सीधे सीधे तौर पर देख सकते हैं इसी तरीके से हमारे और आपके समाज की लड़ाई ये छात्र भी लड़ रहे हैं इतिहासकार प्रोफेसर रतन लाल भी लड़ रहे हैं देखते हैं इनकी लड़ाई कहाँ तक पहुँचती है और अपने हक अधिकारों के लिए ये बात करते रहेंगे इसी तरीके से आप देखते रहिए सहयोगी धर्मेंद्र के साथ मैं पूजा जनहित आवास दिल्ली